गाइस, वेलकम टू पीएमआई इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। स्टार्ट नहीं करना चाहूंगी आप लोग के साथ पहले अपने इंट्रोडक्शन के साथ। दिस इज रुबा अग्रवाल, इन गेम नेम इज पीएच जेब्रा एंड आई एम द आईजीएल ऑफ टीम पावर हाउस। दिस इज राहुल, माय इन गेम नेम इज पीएच नवाकिन एंड आई मेनली डू फ्रंटलाइन असॉल्टिंग इन माय टीम। माय नेम इज बाग, माय इन गेम रोल इज सपोर्ट। मैं आपसे सवाल करती थी बस क्वेश्चन का कि आप लोग की जो परफॉर्मेंस थी वो पीएमपीएल में थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो अब किस तरह की नई स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग कमबैक करना चाह रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, चेंज करेंगे स्ट्रैटेजी, अगर करेंगे तो क्या प्लानिंग चल रही है? बेसिकली पीएमपीएल में काफी सारे इश्यूज की वजह से हमारा परफॉर्मेंस काफी डाउन रहा। पूरी टीम बैठ के हमने डिसाइड करा कि हमको क्या करना है, क्या चीज गलत हुआ, क्या चीज सही गया, उसको एनालाइज करा, किस पोजीशनिंग पे खेलना है, किस स्ट्रैटेजी से खेलना है, वो सब हमने चेंज करा है। सो फुली पीएमआईएस पे अब हम लोग वो अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह अडाप्ट हो गई है, बट हाँ कर रहे हैं। एंड पीएमआईएस में होपफुली आगे के सीरीज में आपको दिखेंगे भी कि क्या चेंजेस किए पावर हाउस। नोवा, डार्क और आइकॉनिक ऑलरेडी पहले साथ में खेले हुए हैं, जैसे तो आप कैसे ट्राई करते हैं कि इन लोग के साथ इनको जान सके और आगे से लीड कर सके? जैसे कि इसी के लिए मेन जो भी टीम फॉर्म होती है, कोई भी प्लेयर जब साथ में आते हैं तब मेन इसी को हम बोलते हैं सिनर्जी। एंड जो एक टाइम उनको चाहिए होता है वो सिनर्जी डेवलप करने के लिए एंड वो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए। ई स्पोर्ट्स की सिनेरियो में पबजी में कोई भी टीम एक साथ आती है तो वो तुरंत परफॉर्म नहीं करने लगती है, या दे नीड सम टाइम टू जेल अप, यू नो। सो दैट्स व्हाई तो हम लोग ने भी जनवरी फरवरी में बनाया था टीम साथ में एंड उसके बाद अप्रैल से हमारी परफॉर्मेंसेज आना शुरू हुई। तो वही 2 मंथ्स का टाइम, वो कुछ टाइम लगता है आपको टाइम पे आप दूसरे को जानते हो, दूसरे गेम जानते हो, समझते हो। एंड ये बल्कि काफी अच्छी चीज है कि मेरे को जो 3 प्लेयर मिले उनकी आपस में ऑलरेडी एक सिनर्जी है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं जेरू इनको मेरे कॉल्स पे खेलना है, मेरे को इनके कॉल्स पे नहीं खेलना, तो मेरे लिए ज़रा इजी था। सो ज़्यादा टफ तो इनके लिए होगा क्योंकि इनके लिए एक नया आईजीएल, सब कुछ नया, सब कुछ। तो एंड मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा अडॉप्ट भी करा। तक मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अंडरडॉग टीम्स आई है, इतने बड़े स्टेज पे उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, क्या ओपिनियन है आपका इस चीज को लेकर? आपके कोई स्पेशली कोई टीम पे आपका ध्यान गया, कोई नजर गई है स्पेसिफिकली के दे प्लेइंग रियली वेल, कितना बड़ा मौका है उनके लिए, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? एक्चुअली मेरा ध्यान मुझसे 2 टीम पर गया है, एक तो हमारी थानोस की टीम हो गई और एक हमारी हो गई एलएसएम की। ये 2 टीम्स को ऐसा लगा देखते खेल के ऐसे, मतलब उनको देख के ऐसा लगा कि ये नई टीम चल रही है, ऐसा लग रहा था कि फुल्ली एक्सपीरियंस टीम है, प्रॉपर रोटेशन आ रही है, ऐसे देखे मैंने नोटिस करी उनकी, सब कुछ बढ़िया है, पर से एग्रेसिव खेल रहे, मतलब इतनी अच्छी लॉबी होने के बाद और उनको डर नहीं है किसी का कि मतलब हर जगह मार रहे, फुल एग्रेसिव खेल रहे हैं। जैसे मतलब कुछ टीम्स होती है अंडरडॉग, उनको थोड़ा फियर रहता है कि सामने अच्छी टीम्स है तो वो थोड़ा पैसे हो जाती है टीम्स, बट इन 2 टीम्स को देखा ऐसे कभी नहीं लगा कि ये दोनों मतलब कि सामने टीम से डरा है, ये लोग डरे हैं, बिल्कुल नहीं डरे, ये लोग बिल्कुल ही एग्रेसिव खेले हैं, किल्स निकाले हैं, प्लेसमेंट निकाले हैं, आज तक भी वो टॉप पर हैं। आप लोग एक प्रो टीम है तो कैसा होता है कि प्रो टीम्स को ऐसी फीलिंग होती है कि अंडरडॉग्स नई टीम्स आ रही है, बिकॉज दे गाइस जनरली हैव नथिंग टू लूज, सो आप लोग कैसे अपने आपको प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग? थोड़ा सा लगता है कि ओके ये दीस प्लेयर्स आर प्लेइंग रियली वेल, बड़ा स्टेज है इनके लिए, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे उनके अकॉर्डिंग मोल्ड करके चलते हैं? अगर स्ट्रेटजीज का बात रहे तो बेसिकली एक चीज जो हम सारे स्पोर्ट्स पर ध्यान में रखते हैं एंड खासकर जो लोग को अंडरडॉग का टैग नहीं दिया हुआ है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भी ध्यान में रखते हैं अपना, कि जब हम लोग इन गेम कोई प्लेयर को नॉक करते हैं ना तब लोग उनका टैग नहीं देते कि वो किस किस से है, वो चाहे डीएसएम एनडीडी से हो, वो चाहे गॉडल से हो या वो कोई अंडरडॉग टीम से हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब आज अगर वो प्लेयर्स हमारे साथ सेम लॉबी पे खेल रहे हैं तो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो भी डीएसएम एनडीडी के जैसे या गॉडलाइक के जैसे या पावर हाउस के जैसे परफॉर्म कर पाए। तो हम लोग जब भी किसी को नॉक करते वी डोंट सी द टैग, वी डोंट सी हु दे आर, वी जस्ट नो दैट वी आर प्लेइंग इन द सेम लॉबी, हम लोग सेम लॉबी पे खेल रहे हैं, वो इक्वली स्किल्ड है। पर हाँ प्री गेम अगर आप बात करो तो प्री गेम हमारे भी माइंड में एक ही चीज रहता है कि हमें ये सोच के नहीं खेलना कि वो अंडरडॉग है, हमें अपने स्ट्रेटजीज फॉलो करने, हमें अपने गाइडलाइंस में रह के ही खेलना है चाहे वो सामने अंडरडॉग टीम हो या नहीं हो। नाइस। नोवा टीम की स्ट्रेटजी से मैं आपकी स्ट्रेटजी पर जाना चाहूंगी, आपने इससे पहले वाला टूर्नामेंट एज अ सब्स्टिट्यूट खेला था, अब आप रेगुलर खेल रहे हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया, किस तरह से खुद को ऐसे चेंज करके क्या कैसे दिमाग अपना बनाया? एक्चुअली मेरे अंदर जो मेन कमी थी पहले वो थी मल्टीटास्किंग, मतलब मेरे को चीजें ध्यान में नहीं रहती थी, अगर मैं एक जगह किसी टीम से फाइट ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता था, तो वो चीज मेरे इम्प्रूव कराने के लिए आइकॉनिक ने स्पेसिफिकली मेरे लिए एक प्लान दिया था मेरे को कि तू कॉन्कर रैंक पुश करो, टीम को तू भी लीड करेगा रैंक पुश, तो उससे काइंड ऑफ क्या होता है कि सारी टीम को साथ लेके चलना, जोन में कब निकलना है, सारी चीजें ध्यान में रखना, वो सब चीजें ऑलरेडी दिमाग में रहती हैं और रहनी पड़ती हैं अगर मेरे को रैंक पुश करना है,
सक्सेसफुली, तो उससे मेरी वो चीज इम्प्रूव हुई और पोजिशनिंग वगैरह सब इम्प्रूव हुआ, तो आई वाज बैक इन द टीम. सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच.